ग्वालियर में दस्तक अभियान का आयोजन 18 जुलाई से 31 अगस्त तक किया जाएगा। इस अभियान के तहत 5 वर्ष की उम्र तक के बच्चों की मुख्य बाल्यकालीन बीमारियों की पहचान और प्रबंधन किया जाता है। इसका उद्देश्य बाल मृत्यु दर में कमी लाना है। डॉक्टर मनीष शर्मा ने बताया कि इस अभियान के दौरान 5 वर्ष तक के लगभग 2,34,000 से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा। दस्तक अभियान को सफल संचालन के लिए समस्त मैदानी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है। नया दस्तक अभियान हम लोग शुरू कर रहे हैं 18 तारीख से, और इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि जो अपने IMR है, माँ शिशु मृत्यु दर है, उसको हम लोग को कम करना है। इसके अंतर्गत हम लोग घर घर जाके दस्तक देंगे जो प्रमुख बीमारियां हैं जिससे बच्चों की मृत्यु होती है, जैसे कि उल्टी दस्त होना, निमोनिया होना, कुपोषण होना, ये लोग हम लोग घर घर जाके दस्तक देंगे। और इसमें हम लोग बच्चे को वहाँ पर उसको जाँच करने के साथ साथ उसका इम्पोर्टेंट जरूरत पड़ेगी तो रेफरल भी करेंगे और वहाँ पर